morning everyone. How are you all? Hope you all are doing so good and you all are also enjoying your online classes. तो आज की activity क्या है? आज की activity transportation से related है. Means transport means क्या होता है और उसका आपके life में क्या use है, आप लोग ये सोच रहे होंगे. तो हम लोग जब कहीं, अगर हमें कहीं जाना होता है, या जैसे आपको नानी घर जाना होता है, या किसी वैकेशन पे जाना होता है, या स्कूल जाना होता है, तो आप किसके हेल्प से उतने लंबे डिस्टेंस को कवर करते हो? जैसे आपकी किसी किसी बच्चे की स्कूल काफी दूर होती है, किसी के पास होती है, कुछ बच्चे पैदल चले जाते हैं, कुछ बच्चे साइकिल का यूज करते हैं, कुछ बच्चे बच्चों के मम्मी पापा उन्हें स्कूटी से या बाइक से या फोर व्हीलर कार से जिप्सी से किसी से भी छोड़ देते हैं. तो ये सब क्या कहलाते हैं? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे कि हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस करना होगा, जैसे हमें गोवा जाना हो या फॉरेन कंट्री जाना हो, उस समय किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? कौन से मोड का यूज करते हैं? किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं? एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं. और एयर के थ्रू कैसे हम लोग ट्रेवल करेंगे, किसके हेल्प से ट्रेवल करेंगे? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इसके द्वारा हम लोग कहाँ पे हम लोग वो करते हैं ट्रेवल? एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं. सेकेंड नंबर ट्रेन, जो कि नॉर्मली बहुत सारे बच्चों ने, लगभग सारे बच्चों ने उसे देखा होगा, इंजॉय किया होगा उसके ट्रेवल को. तो दूसरा क्या है? ट्रेन. और ट्रेन कहाँ होती है? जमीन पे होती है. और थर्ड नंबर क्या है? हमारा रोड. गाड़ी किस पे चलती है? ट्रक हो, आपका फोर व्हीलर हो, फोर व्हीलर में क्या क्या आ जाता है? रोड पे क्या क्या चलती है? गाड़ी होती है, कार होती है, जीप होती है, ट्रक होती है, साइकिल होती है, रिक्शा होती है, ऑटो रिक्शा होती है, ई रिक्शा होती है, बहुत सारे चीज जो कि हम लोग किसके यूज किसके थ्रू हम लोग ट्रेवल करते हैं? रोड पे हम लोग साइकिल या फिर इसके अलावा बहुत सारे और ट्रांसपोर्ट के मोड होते हैं, उसके द्वारा हम लोग ट्रेवल करते हैं. और लास्ट नंबर क्या है? फोर्थ नंबर, वाटर. वाटर हम किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं? शिप में, याच में, या फिर बोट के द्वारा ट्रेवल करते हैं. ये भी बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने ट्रेवल भी किया होगा कि शिप, जैसे कि शिप हो या बोट, पेपर से बना के पानी में उसे फ्लोट करते हो, छोड़ते हो, उसे पुश करते हो ताकि वो फ्लो करे. तो उसी तरह आप लोग बोट के हेल्प से भी पानी के थ्रू आप लोग ट्रेवल कर सकते हैं. इसीलिए मैंने आपके लिए एक एक्टिविटी तैयार की है. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आवर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. यानी कि ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ से हम लोग किस किस वे से यूज होते हैं. सबसे पहला एयर. एयर के, एयर में क्या क्या और ट्रेवल करते हैं? हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन. और रेल पे, जो नीचे रेल लाइन होती है उस पे क्या चलता है हमारा? इस तरह से ट्रेन चलती है ना, इस तरह से. ये देखो, ये रेल लाइन है और ये इसके ऊपर इस तरह से ट्रेन चलती है, राइट? नाउ थर्ड नंबर रोड. रोड पे क्या क्या चलती है? ट्रक चलती है, कार चलती है, साइकिल चलती है, रिक्शा चलती है, और भी बहुत सारे कुछ रोड के ऊपर चलते हैं. एंड लास्ट नंबर वाटर. वाटर पे क्या क्या फ्लो करता है? वाटर के थ्रू क्या क्या ट्रेवल कर सकते हैं? बोट कर सकता है, शिप कर सकता है, याच भी करते हैं. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? परिवहन के साधन. अब परिवहन के साधन में क्या होता है, अब उसे डिफाइन कैसे करेंगे हम, तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ. एनी ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज टू कैरी पीपल और कार्गो इट्स कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. यानी कि किसी भी सामान को या फिर पीपल को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिसका यूज करना होता है, जिस परिवहन का या ट्रांसपोर्ट का यूज करना होता है, वो क्या कहलाता है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है किसी भी कारण के लिए, किसी भी काम के लिए, देन व्हाट इट विल बी कॉल्ड? इट विल बी कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जब आप उस चीज को यूज कर रहे हैं, उस ट्रांसपोर्ट को,
तो वो क्या करते हैं आपको, आपके डिस्टेंस को कवर करते हैं, कम करते हैं और साथ में आपको क्या करते हैं, इजिली वे में आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। तो नॉर्मली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने होते हैं, होते तो 5 है बट अभी आप लोग के लिए सिर्फ 4 होते हैं। फर्स्ट वन इज एयरवे, मतलब हवा के द्वारा या आसमान के थ्रू आप लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हो या सामान ट्रेवल कर सकता है। दूसरा क्या होता है, रेलवे। रेलवे क्या होता है, जैसे कि ट्रेन किस पे चलती है, ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, रेल कहते हैं। वो किस पे चलती है, ट्रैक पे चलती है, पटरी पे चलती है, और वो होता कहाँ है, रोड के ऊपर होता है, ठीक है। थर्ड नंबर इज रोडवेज। रोडवेज मीन जो रोड बने होते हैं, हाईवे बने होते हैं, उसके ऊपर जो चलते हैं, जैसे ट्रक, कार, टेम्पो, ये सब, वो क्या कहलाएंगे, वो किसके थ्रू जाएंगे, वो रोडवेज के थ्रू जाएंगे। और फोर्थ नंबर इज वाटरवेज, जो वाटर में ट्रेवल करते हैं, जैसे शिप हुआ, बोट हुआ, याक हुआ, याश हुआ, तो ये सब क्या कहलाएंगे, वाटरवे। तो नॉर्मली कितने मोड होंगे, 4, 5 नहीं, अभी आपके लिए 4 है, राइट। जब आप लोग प्राइमरी में जाओगे तब आप लोग वहां पे और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, वो कहलाता है पाइप वेज। पाइप के भी तो थ्रू बहुत सारे कुछ जाते हैं ना, तो इसलिए, तो अभी आप लोग कितने पढ़ोगे, 4। फर्स्ट वन इज एयरवे, सेकेंड वन इज रेलवे, थर्ड वन इज रोडवेज, एंड लास्ट वन इज, फोर्थ वन इज वाटरवेज। तो ये सब क्या होते हैं, कैसे ट्रेवल करते हैं, पहले वो मैं बताऊंगी। ये नॉर्मली वाटरवे क्या होता है, जैसे कि समुद्र के द्वारा, सी के द्वारा या रिवर के थ्रू आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको कोई नदी क्रॉस करना होगा तो आप कैसे जाओगे, आप तो उसके लिए किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे ना, तो उस समय हम लोग किसका यूज करते हैं, बोट का यूज करते हैं, नहीं तो याच का यूज करते हैं हम लोग, राइट। या फिर शिप का भी यूज करते हैं, अगर बहुत बड़ी रिवर हुई तो हम लोग शिप का भी यूज करते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग किसकी पढ़ाई करेंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की पढ़ाई करेंगे, यानी कि परिवहन के साधनों की पढ़ाई करेंगे। परिवहन के साधनों मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिन परिवहन का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिवहन के साधन। तो अभी मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे लिख के भी दिखाऊंगी, आपको बस स्पेलिंग याद करनी है, ऐसा नहीं है कि ये बस, ये तो ओरल हुआ, एक्टिविटी मीन्स क्या होता है, ओरल। ये मैंने आपको ओरली बता दिया है यहाँ पे, अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगी कि आपको, जैसे हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर की क्या स्पेलिंग होती है, एरोप्लेन की क्या होती है, ट्रक की, साइकिल की, कार की। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ आता है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, शिप की, बोट की, याच की आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बता रही हूँ कि आप इसे कैसे लिखोगे अपने कॉपी पे, राइट। तो इस तरह से पहले आपको एयर पे क्या क्या हो ट्रेवल करते हैं, रोड पे क्या क्या चलता है और वाटर पे क्या क्या ट्रेवल करते हैं, तो ये पहले आपको ये लिखना है, और यहाँ पे एयर पे क्या 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 ट्रेवल करता है वो पहले हमें यहाँ लिखना है। तो इस तरह से एयर में क्या क्या ट्रेवल करते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, इसके अलावा बलून भी होते हैं। फिर रोड पे क्या क्या ट्रेवल करते हैं, ट्रेन। ट्रेन किस पे ट्रेवल करती है, पटरी के ऊपर ट्रेवल करती है, ट्रैक के ऊपर ट्रेवल करती है, बट वो होता किस पे है, रोड पे होता है। इसके अलावा कार, बस, बाइसिकल, ट्रक, इसके अलावा ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ये सभी किसके ऊपर ट्रेवल करते हैं, रोड के ऊपर करते हैं। एंड नाउ लास्ट वन इज वाटर। वाटर पे क्या क्या ट्रेवल होते हैं, शिप, बोट एंड याच। तो इस तरह से आप अपने कॉपी पे लिख के विद स्पेलिंग यू हैव टू लर्न, इस तरह से आप अपने कॉपी पे लिखोगे और आपके पास जो बुक होगी उसमें भी इस तरह से ट्रांसपोर्ट के पिक्चर दिए हुए हैं, आपको वो रिकॉग्नाइज करना है कि वो क्या है। जैसे व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रेन, दिस इज बोट, लाइक दिस वे आपको ये लिखना है। कार कहाँ चलते हैं, इसे इसमें कितने व्हील होते हैं, कितने चक्के होते हैं, 2 होते हैं, जैसे कि बाइसिकल, बाइसिकल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ऑटो रिक्शा में कितने होते हैं, 3 होते हैं, कार में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ट्रक में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो लाइक दिस वे यू हैव टू डू इन योर बुक ऑल्सो। शिप की स्पेलिंग क्या होती है, SHI, क्या बच गया है, P, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, P, लाइक दिस वे यू कैन डू इन योर बुक ऑल्सो। दिस वे यू कैन डू दिस एक्टिविटी ओरली भी और इन योर बुक एंड ऑन योर नोटबुक, सो दैट यू कैन लर्न इजली विद स्पेलिंग
इस तरह इंटरेस्टिंग वे में एक्टिविटी करके आप इजिली लर्न कर सकते हो। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आप अपने घर पे कीजिए। ट्रांसपोर्ट के बारे में जानिए, देखिए आपके घर के सामने जो रोड जाते हैं उस पर भी बहुत सारे रिक्शा साइकिल बहुत सारे कुछ जाते हैं उसे, तो उससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी ट्रांसपोर्ट को लर्न कीजिए, याद कीजिए विद स्पेलिंग, तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आज का